ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। एनडीए के हिस्सा होते हुए भी मुकेश सहनी सरकार से अलग हो गए हैं, एनडीए की बैठक में शामिल नहीं लिया, आज शामिल हुए। देखिए मैं तो कहूंगा कि क्यों आप सहनी जी की बात सिर्फ करते हैं, एनडीए सरकार में कौन से विधायक घुसे होंगे जो चाहे जदयू के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, मजबूरी में रहना अलग बात है। क्या कोई विकास नवंबर से लेकर अभी तक आपने देखा है? क्या कोविड-19 में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो इलाज की व्यवस्था, क्या हुआ है? सभी लोग ये जान रहे हैं, सबको जनता को जवाब देना है। अगर ईमानदारी से पूछिएगा, सहनी जी ने दिखाया है कि हम नहीं गए हैं। मैं तो आग्रह करूँगा सब लोग सोचिए इस बात पर, क्या सरकार जो अभी है, क्या माननीय नीतीश कुमार जी खुश हैं? क्या दबाव फील नहीं कर रहे हैं? क्या काम कर पा रहे हैं? सभी विधायकों का भी पैसा रोक लिए ताकि जो छोटा मोटा काम कर सके क्षेत्र में, नाली पानी पीने का दिक्कत, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। तो सभी विधायक नाराज हैं। अभी आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो दूसरा था, गौरव कृष्णचंद शास्त्री जी जो कि धार्मिक न्यास बोर्ड दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी RSS के चेयरमैन थे और ये रहने वाले, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है बौसी भागलपुर में गुरुधाम से, और ये पूरा देश में प्रचार करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने कहा कि आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, कांग्रेस का इतिहास याद कीजिए और आप लोग जमीन को देखिए और आइए भारतीय जनता पार्टी क्या रोजगार देने में क्या विफल रही है। लेकिन मुकेश सहनी का आरोप है कि सरकार में मांझी जी की और उनकी बात नहीं सुनी जाती है। किसी की बात नहीं सुनी जाती है? क्या मंत्री की बात कोई पदाधिकारी सुन रहा है? आपने बहुत सारे मंत्री का देखा है, किसी विधायक का कोई पदाधिकारी सुन रहा है? सिर्फ यहाँ एक ही है, पदाधिकारी सरकार चलाती है, न कि कोई नेता चलाता है। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा, किसी भी मंत्री का, किसी भी विधायक का कोई पदाधिकारी बात नहीं सुन रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता की आवाज़ नहीं सुन रहा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि आप पदाधिकारियों को शक्ति मत दे दें कि मंत्री तक की बात न सुने, विधायक की बात न सुने। मुकेश सहनी के लिए कांग्रेस की ओर से क्या सलाह होगी? मैं तो कहता हूँ सब लोग आइए, मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी में दबाव है, मैं तो उनको भी कहता हूँ आपके माध्यम से आइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। पिछला महागठबंधन की सरकार थी, क्या विकास हुए हैं बिहार के? आइए हम लोग मिलजुल के फिर जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें।